गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है बहुत बहुत आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे डीएसएसपी टीजीटी मैथ्स फीमेल का। स्टूडेंट जो आज एग्जाम ओवर हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स ने जो पिछले 13 दिन से आपाधापी चल रही, जिसके बाद आज राहत की सांस ली होगी। स्टूडेंट आज जो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए उनका रिव्यू भी करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको टीजीटी फीमेल कट ऑफ का जो ई डोजियर, मतलब जो आपको जो 3 टाइम्स तक जनरली सिलेक्ट करता है आपका आयोग, अगर स्टूडेंट मिल जाते हैं तो उसमें कहां तक कट ऑफ जा सकती है। फाइनल कट ऑफ नहीं है स्टूडेंट, मैं फाइनल कट ऑफ आपको बाद में बताऊंगा, एक बार आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद फाइनल कट ऑफ पर डिस्कस होगा। आज में ई डोजियर आपको जो 3 टाइम्स तक स्टूडेंट को कॉल करते हैं उसकी कट ऑफ आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले आज जो पेपर था स्टूडेंट, जो फर्स्ट और जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो कंपेरेटिवली इजी था। जो आपके 10 और 11 तारीख को पेपर जो था, आज वही कहानी रिपीट हुई है जो डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स मेल के अंदर। जो आपके 2 और 3 को पेपर था वो हार्ड था, और जो 4 को पेपर था स्टूडेंट वो कंपेरेटिवली इजी था। आज भी सेम कंडीशन, कहानी रिफ्लेक्ट हुई है। 13 तारीख का पेपर जो था आज का इजी था कंपेरेटिवली हमारे 10 और 11 तारीख के, ठीक है, इजी था। तो उनको स्टूडेंट जनरली आपकी नॉर्मलाइजेशन थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है स्टूडेंट हमारे, तो जो इजी वालों को, इजी जो स्टूडेंट का पेपर आया था इजी को, कम से कम आपके 5 नंबर तक का लॉस होगा, 5 नंबर का लॉस। जो जैसे कि आज पेपर इजी आया था उनको, और जो हार्ड जो टफ पेपर आया था उनको 6 नंबर तक का कम से कम बेनिफिट मिलेगा। ये एक राउंड फिगर है, इससे प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इजी वालों को कम से कम 4 से 5 नंबर तक का लॉस हो सकता है, और जो हार्ड वाले हैं स्टूडेंट जिनका टफ पेपर था, जैसे कि आपके 11 और 10 और 11 को था स्टूडेंट, तो उसमें आपके बेनिफिट हो जाएगा लगभग 5 से 6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये तो था आज का रिव्यू स्टूडेंट। आज का अंत भला तो सब भला, पेपर सरल आ गया था कंपेरेटिवली दोनों दिनों के, 10 और 11 तारीख के, तो स्टूडेंट का पेपर अच्छा चला गया, और उन्होंने सेकंड पेपर में भी 50-55 तक का स्कोर किया है, ठीक है। केवल सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर तो आपके सरल आ ही रहा है शुरू से, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ हमको 50-55 अगर हमने विद कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है तो काफी अच्छा कहा जा सकता है आज के पेपर को लेकर के, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज के अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात कर लेता हूँ आपके जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल के अंदर, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो आपका जितना जाना चाहिए वो है आपका 86 और 87। आज के पेपर की तरह मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन अब मेरे ख्याल से तो इतना तो जाना ही चाहिए कट ऑफ। और ई डोजियर है और ई डोजियर आपकी जो 3 टाइम्स कॉल करते हैं स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो ठीक है जनरल मेरे हिसाब से इतना जाना चाहिए 86 to 87 आपका कट ऑफ। हालांकि फाइनल कट ऑफ तो इससे अबो भी जाएगा, पर मेरे ख्याल से इतना गर्ल्स का जनरल पे इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें स्टूडेंट अपन ओबीसी की, तो आप जान सकते हैं कि भाई लगभग 82 से 83 तक जा सकता है ये हमारा, ठीक है, ओबीसी के अंदर। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की स्टूडेंट, तो कम जाएगा आपका 81 से 82 तक जाएगा ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। इकोनॉमिक बीएस वीकर सेक्शन जो इस बार फर्स्ट टाइम आपके ऑपरेट हुई है ये वाली कैटेगरी, तो उसका आपका कट ऑफ स्टूडेंट वो लेस देन जाएगा आपका ओबीसी से, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो मैंने एक तो सर्वे किया स्टूडेंट उसके ऊपर, ठीक है। जनरल का 86 to 87 और ई डोजियर 3 टाइम्स स्टूडेंट कॉल करते हैं, अगर नहीं मिले तो 1.5 टाइम्स भी बुलाते हैं, 2 टाइम्स भी बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल कट ऑफ नहीं है ये, वो आफ्टर जो हमारी आंसर की आएगी उसके बाद। 86-87 जनरल, ओबीसी 82-83, ईडब्ल्यूएस 1 मार्क्स आप डाउन मान सकते हैं। एससी कैटेगरी मेरे हिसाब से स्टूडेंट एससी कैटेगरी में आपके 75-76 तक जाने का चांसेस है आपके एससी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ का फॉर ई डोजियर। नाउ फॉर एसटी कैटेगरी स्टूडेंट आपके 70-71 तक जा सकता है, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, आज का वीडियो में इतना ही था, ठीक है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, ओके थैंक्स।